सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्राया हुआ है। शोपिया के जैनपोरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सुरक्षा बलों को जानकारी मिली। पैरामिलिट्री और सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चारों ओर से घिरने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जो मिलिटेंट्स हैं वो उनकी तरफ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पे फायरिंग हुई और आज सुबह से ही वहां पे लगातार जो गोलीबारियों की आवाजें आ रही है। इस वक्त सुरक्षा बलों का कहना है कि करीब 4 से 5 मिलिटेंट्स के होने की आशंका है और आर्मी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइंटली ये एक्सरसाइज और ऑपरेशन वहां पे कर रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शोपिया में मारे गए आतंकी हिजबुल से जुड़े हैं। मुठभेड़ के दौरान कवर कर रहे 4 पत्रकार भी जख्मी हुए। पत्रकार पैलेट यानी छर्रे से घायल हुए हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच भी सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए जिनमें 6 आतंकी मारे गए। कल बड़गाम में चरारे शरीफ के पास सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया था। देश के गणतंत्र के पर्व यानी 26 जनवरी में खलल डालने के लिए आतंकी कश्मीर घाटी में लगातार हमले कर रहे हैं। 18 जनवरी को भी आतंकियों ने श्रीनगर के लाल चौक और शोपिया में ग्रेनेड से हमला किया था। हमेशा की तरह सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। पिछले 4 सालों में सुरक्षा बलों ने 2018 में सबसे ज्यादा 250 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था और 2019 की शुरुआत के साथ ही आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी।